हैचिंग, ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जो अब बुक माई शो पर हिंदी में रिलीज हो चुकी है और अब फाइनली मैं ये फिल्म देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस फिल्म को देखकर जो भी अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें बिना टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस फिल्म को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस फिल्म की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस फिल्म में देखेंगे एक 12 साल की लड़की तिंजा की कहानी जो एक दिन एक मिस्टीरियस एग यानी अंडे को उठाकर अपने घर ले आती है और उस एग का ख्याल रखने लगती है, लेकिन जब उस एग में से एक अजीब सा क्रीचर निकलकर बाहर आता है तो फिर उसके बाद कहानी में क्या कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस फिल्म को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस फिल्म को देखकर कैसा रहा। तो देखो जो कहानी है इस फिल्म की वो काफी इंटरेस्टिंग और यूनिक है, आपको इजीली एंगेज करके रखेगी, लेकिन इस फिल्म की थीम समझने वाली है। अगर आपको इस फिल्म की थीम समझ में आ गई, अगर आपको इस फिल्म का मेटाफोर समझ में आ गया तो फिर यह फिल्म आपको पसंद आएगी, अगर समझ नहीं आया तो फिर यह फिल्म आपको पसंद नहीं आएगी। प्लस ये फिल्म कोई गोस्ट हॉरर मूवी नहीं है, ये कोई हॉन्टेड हाउस स्टोरी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल बॉडी हॉरर फिल्म है। इस फिल्म में आपको कोई भूत डराता हुआ नजर नहीं आएगा, ऑल्दो इस फिल्म में एक क्रीचर आपको जरूर देखने को मिलेगा, आपको इस फिल्म में कुछ क्रीपी मोमेंट्स भी जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन असल में तो आपको इस फिल्म के मेटाफोर को समझना है, वो समझ में आ गया तो आपको ये फिल्म पसंद आएगी। ओवरऑल ये फिल्म काफी इंटरेस्टिंग फिल्म है, अगर आपको कुछ अलग एक्सपीरियंस करना पसंद आता है तो फिर आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। बस हाँ, फिल्म की एंडिंग मुझे थोड़ी इनकम्प्लीट सी फील हुई, फिल्म की एंडिंग मेरी नजर में थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। बाकी कैरेक्टर वर्क फिल्म का डिसेंट है, एक्ट्रेस की परफॉर्मेंसेस भी फिल्म में डिसेंट हैं, फिल्म का म्यूजिक और प्रोडक्शन वर्क वो सब कुछ अच्छा है। इन शॉर्ट मेरी नजर में ये फिल्म एक डिसेंट साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है, काफी इंटरेस्टिंग सी कहानी आपको इस फिल्म में एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। अगर आप टिपिकल हॉरर मूवी से हटकर कुछ अलग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो फिर ये फिल्म आपका एक काफी अच्छा टाइम पास करवा देगी। बस इसलिए मैं इस फिल्म को रेट करूंगा 7/10। बस हाँ, आपने इस फिल्म को गोस्ट हॉरर मूवीज या हॉन्टेड हाउस स्टोरीज वाली एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं देखना है। ये फिल्म एक क्रीपी एक्सपीरियंस जरूर है लेकिन एक स्कैरी एक्सपीरियंस नहीं है, और ये बात आपने अपने दिमाग में रखनी है। और हां, आप ये फिल्म चाहें तो फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, बस आपको इस फिल्म में एक दो छोटे छोटे किसिंग सीन जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।